Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine. And today we are going to learn about the letters A to K. आप सभी को A से लेकर K तक के letters आते हैं ना, तो आज हम recognize करेंगे and write भी करेंगे. Let's start. So first is, which letter is this? This is, do you know? This is A. Which letter is this? This is capital A and this is small a. And अभी हम देखेंगे small a and capital A को कैसे write करते हैं. Firstly, draw one slanting line. Second slanting line and one sleeping line. Wow! ये कौन सा letter बन गया? ये है A. And again one slanting line. Second slanting line and sleeping line. So ye ban gaya again letter A. This is capital A. And abhi hum kaun sa letter banayenge? Abhi hum small a banayenge. To small a kaise banate hain? Small a. ये बन गया राइट ओपन कर एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन. राइट ओपन कर एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन. राइट ओपन कर एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन. तो ये बन गया स्मॉल ए. दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए. एंड ए फॉर एक्स, ए फॉर आंट. A for X, A for aunt. And now you have to tell me which letter is this. This is B for, this is B for ball, B for banana. B for ball, B for banana, B for baby. And और क्या होता है? B for beer and B for ball. And this is small b. This is small b and this is capital B. And let's see how to write the letter B. Firstly, draw one standing line. Fifth, one left open curve. Second left open curve. तो ये बन गया C. Match करते हैं, ये बन गया letter B. And again, one standing line. Left open curve and second left open curve. तो ये बन गया letter B. One standing line, one left open curve, again left open curve. तो ये बन गया capital B. And ये है small b. अभी हम देखेंगे small b कैसे write करते हैं. तो ये तो बहुत ही simple है. One standing line draw की and वन लेफ्ट ओपन कर्व बनाए. इसमें तो ओनली वन कर्व ही होता है. सी, इसमें टू कर्व है एंड इसमें ओनली वन कर्व है. वन स्टैंडिंग लाइन देन वन कर्व. तो ये बन गया स्मॉल बी. वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन कौन सा कर्व है? ये लेफ्ट ओपन कर्व. तो ये बन गया स्मॉल बी. So this is capital B and this is small b. Kids, which letter is this? This is C for cat. C for cat, C for cat and C for camel. C for cat, C for camel. And ये camel कहाँ पे रहता है? ये तो desert में रहता है जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है. एंड ये है सी फॉर कैट. सी फॉर कैट एंड ये है कैपिटल सी, ये है स्मॉल सी. एंड अभी हम इनको राइट करेंगे. फर्स्टली ड्रॉ बिग राइट ओपन कर्व. ये तो बहुत ही सिंपल है. ये बन गया लेटर सी एंड ये कैपिटल सी है. अगेन ड्रॉ लेफ्ट, सॉरी राइट ओपन कर. फिर से ये है राइट ओपन कर. तो ये बन गया लेटर सी. एंड स्मॉल सी कैसे बनाते? स्मॉल सी, ये बिग वाला सी हो गया कैपिटल सी एंड स्मॉल सी इससे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं. तो ये बन गया स्मॉल सी.
ये फिर से बन गए स्मॉल सी एंड ये स्मॉल सी, तो ये वाला ये है कैपिटल सी एंड ये है स्मॉल सी। देखो ये वाला सी इस वाले सी से बड़ा है ना, तो ये हो गया कैपिटल सी एंड ये हो गया स्मॉल सी। एंड विच लेटर इज दिस? दिस इज डी फॉर, ये डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डक, डी फॉर डॉग डी फॉर डक। तो ये है डी, लेटर डी। विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर डी, दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। अभी हम इसको राइट करेंगे। तो कैसे बनाते हैं? फर्स्टली ड्रॉ, आपको कर्व बनाना तो आता है, अभी हम पहले लेफ्ट ओपन कर्व ड्रॉ करेंगे एंड फिर इसमें स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। तो देखो ये बन गया लेटर डी एंड फिर से लेफ्ट ओपन कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट ओपन कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन। सो विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर डी एंड डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। एंड स्मॉल डी कैसे बनाते हैं? स्मॉल डी तो बहुत ही सिंपल है, पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की एंड फिर राइट ओपन कर्व बना दिया, वन स्टैंडिंग लाइन एंड राइट ओपन कर्व, वन स्टैंडिंग लाइन एंड राइट ओपन कर्व। तो ये बन गया स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। एंड डी फॉर डॉग डी फॉर डक। एंड किड्स, व्हाट कम्स आफ्टर डी? आफ्टर डी ई आता है। सो विच लेटर इज दिस? दिस इज ई फॉर, ई फॉर एग एंड ई फॉर एलिफेंट। ये है ई फॉर एग एंड ये है ई फॉर एलिफेंट। सो दिस इज कैपिटल ई एंड दिस इज स्मॉल ई। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली कैपिटल डी कैसे बनाते हैं? कैपिटल डी के लिए ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, फिर वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया कैपिटल ई सी, ये है कैपिटल ई, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया कैपिटल ई, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन, थर्ड स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज कैपिटल ई। एंड स्मॉल ई कैसे बनाते हैं? तो ये कौन सा वाला कर्व है? ये है राइट ओपन कर्व, वेल डन। एंड इसमें ये स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये बन गया स्मॉल ई। फिर से सी कर्व बनाया एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगा दी, कर्व बनाया एंड स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये बन गया स्मॉल ई। एंड विच लेटर इज दिस? दिस इज ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एम्प्टी भी होता ना, एंड ई फॉर ईगल। एंड सी विच लेटर इज दिस? दिस इज एफ, दिस इज लेटर एफ, दिस इज कैपिटल एफ एंड दिस इज स्मॉल एफ। तो एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर फैन एंड एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फैन, एफ फॉर फॉक्स। तो एफ कैसे बनाते हैं? इसके लिए फर्स्टली ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, फिर वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन। ई में थ्री स्लीपिंग लाइन होती है ना, एंड इसमें टू स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, फिर वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन। एंड ये है स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ कैसे बनाते हैं? स्मॉल एफ तो बहुत ही सिंपल है, वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की एंड फिर दादाजी की छड़ी बना दी एंड इसमें स्मॉल स्लीपिंग लाइन लगा दी, वन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, फिर इसमें दादाजी की छड़ी बना दी
एंड ये स्मॉल स्लीपिंग लाइन, तो ये बन गया स्मॉल एफ। कैसे? स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ये दादाजी की छड़ी टाइप बना दिया, फिर ये इसमें स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये बन गया स्मॉल एफ। एफ फॉर फॉक्स एंड एफ फॉर फ्रॉग भी होता ना, एफ फॉर फ्रॉग एंड एफ फॉर फैन। एंड किड्स, विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर जी, दिस इज लेटर जी, दिस इज कैपिटल जी एंड दिस इज स्मॉल जी। तो जी फॉर क्या होता है? जी फॉर गेट एंड जी फॉर ग्रेप्स। और क्या होता है जी फॉर? जी फॉर ग्रेप्स होता है, जी फॉर गोरिल्ला भी होता है। और क्या होता है जी से? जी फॉर ग्लास। तो अभी हम बनाते हैं, कैसे जी को कैसे बनाते हैं? जी भी बहुत इजी है, आपको कर्व बनाना तो आता है। ये है राइट ओपन कर्व एंड इसमें ऐसी स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये बन गया जी, कैपिटल जी। ये राइट ओपन कर्व एंड ये बना दिया स्लीपिंग लाइन। ड्रॉ, कौन सा कर्व है ये? ये है राइट ओपन कर्व एंड ये इसमें स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये बन गया जी। विच लेटर इज दिस? दिस इज जी एंड ये है स्मॉल जी। स्मॉल जी कैसे बनाते हैं? स्मॉल जी पहले बनाया, ये कौन सा कर्व है? ये भी राइट ओपन कर्व है एंड ये स्टैंडिंग लाइन लगा दी या फिर दादाजी की छड़ी बना दी। पहले क्या बनाया? राइट ओपन कर्व एंड दादाजी की छड़ी बना दी। ये राइट ओपन कर्व एंड दादाजी की छड़ी बना दी, राइट ओपन कर्व एंड ये दादाजी की छड़ी, तो ये है कैपिटल जी एंड ये है स्मॉल जी। एंड व्हाट कम्स आफ्टर जी? जी के बाद क्या आता है? जी के बाद तो एच आता है एंड ये है कैपिटल एच एंड ये है स्मॉल एच। तो एच फॉर क्या होता है? एच फॉर हेड एंड एच फॉर हाउस। और क्या होता है एच फॉर? एच फॉर हेलीकॉप्टर। एंड और क्या होता है? एच फॉर हैंड भी होता है ना, हैंड, एच फॉर हैंड। आपके हैंड कहाँ है? तो ये है एच। अभी हम इसको राइट करते हैं। तो एच तो बहुत ही सिंपल है, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया एच, ये बन गया कैपिटल एच एंड ये है स्मॉल एच। स्मॉल एच कैसे बनाते हैं? तो स्मॉल एच भी बहुत ही इजी है, वन स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ये बना दिया डाउनवर्ड ओपन कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड डाउनवर्ड ओपन कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड डाउनवर्ड ओपन कर्व। तो ये बन गया एच, ये है कैपिटल एच एंड ये है स्मॉल एच। विच लेटर इज दिस? दिस इज, दिस इज आई फॉर इंक एंड आई फॉर इग्लू। आई फॉर क्या होता है? आई फॉर इंक, आई फॉर इग्लू एंड आई फॉर क्या होता है? आई फॉर इगुआना भी होता है एंड आई फॉर आइसलैंड भी होता है। और क्या होता है? आई फॉर इंक। एंड अभी हम आई को राइट करेंगे, तो आई कैसे बनाते हैं? फर्स्टली ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, फिर वन स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्लीपिंग लाइन, इसके दोनों लास्ट पॉइंट पे स्लीपिंग लाइन लगा दी, तो ये है आई। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्लीपिंग लाइन, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे बन स्लीपिंग लाइन लगाना है एंड एंडिंग पॉइंट पे भी बन स्लीपिंग लाइन लगाना है। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्लीपिंग लाइन एंड ये है स्मॉल आई। स्मॉल आई कैसे बनाते हैं किड्स?
स्मॉल आई तो बहुत इजी है, वन स्टैंडिंग लाइन एंड पॉइंट लगा दिया ऊपर, वन स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल पॉइंट, वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल पॉइंट, वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल पॉइंट, वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल पॉइंट. सो दिस इज स्मॉल आई एंड दिस इज कैपिटल आई. एंड ये है, विच लेटर इज दिस? दिस इज J for jug and J for joker. J for jug and J for joker. So which letter is this? This is capital J and this is small j. तो capital J कैसे बनाते हैं? Draw दादाजी की छड़ी बनाई and इसमें sleeping line लगा दी. आपने दादाजी की छड़ी देखी है? वो इसके इसको ना लेके चलते हैं, ये उनको सहारा देती है. तो ये है दादाजी की छड़ी और दादाजी की छड़ी से तो जे फॉर जग बन गया. वन स्टैंडिंग लाइन एंड इसको ऐसे कर्व में टर्न कर दिया तो ये बन गया जे स्टैंडिंग लाइन एंड इसको कर्व में टर्न कर दिया तो ये बन गया कैपिटल जे. एंड स्मॉल जे कैसे बनाते हैं? स्मॉल जे ऐसे ही बनाया और फिर उसमें पॉइंट लगा दिया, उसमें स्लीपिंग लाइन नहीं होती है. ये सिंपल दादाजी की छड़ी ड्रॉ की एंड इसमें पॉइंट लगा दिया, दादाजी की छड़ी ड्रॉ की एंड पॉइंट लगा दिया तो ये है कैपिटल जे एंड ये है स्मॉल जे. जे फॉर जग, जे फॉर जोकर. एंड और क्या होता है जे से? J for jug and bowl. Last letter, which letter is this? This is K. K for क्या होता है? K for key and K for kite. K for key, K for kite and K for और क्या होता है? K for kibi भी होता है. K for kitchen, K for kit. और क्या होता है? K for kite. तो अभी हम K को बनाते हैं. K कैसे राइट करते हैं? वन स्टैंडिंग लाइन, फिर इसमें वन स्लैंटिंग लाइन लगा दी एंड ये सेकंड स्लैंटिंग लाइन तो ये बन गया कैपिटल K. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन एंड सेकंड स्लैंटिंग लाइन. वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन तो ये बन गया कैपिटल के. एंड स्मॉल के कैसे बनाते हैं? ये तो देखो सेम है बट नो, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है? वन स्टैंडिंग लाइन एंड सी, इसकी ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये स्टैंडिंग लाइन के बराबर है बट इसमें देखो ये इसकी स्टैंडिंग लाइन तो बिग है ना, ये स्लैंटिंग लाइन तो स्मॉल है. तो ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्मॉल स्लैंटिंग लाइन. ड्रॉ वन बिग स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन. ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन एंड फिर सेकंड स्लैंटिंग लाइन तो ये बन गया लेटर के. सो किड्स, आज हमने कहाँ तक के लेटर्स की पहचान की? ए टू के, ए से लेकर के तक की लेटर्स की पहचान की. एंड आपको भी इसी तरह से इनको राइट करना है. ओके किड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर.